हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। मैं दीप्ति राजपूत, आपके अपने इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा बिहार कोऑपरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन आउट हो गया, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। एंड सभी को पता होगा कितनी पोस्ट निकली है, उसी के बारे में अगर नहीं पता है तो हम बताने वाले हैं आपको। पूरी डिटेल्स में बताने वाले हूँ, विद इन 5 to 6 मिनट में पूरी डिटेल्स बताऊंगी और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, कि क्या किन कौन सा बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या आपको सैलरी मिलेगी, कितने फेज होंगे एग्जाम के, वो सारे पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना। तो ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अड्डा, जिसपे हम डेली लाइव क्लास भी लेते हैं। सो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये जो कोऑपरेटिव है इसकी अभी 2022 में है ना नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए एक सेकेंड, है ना। सो देखो, एडविटीज नंबर जो भी होगा, ठीक है। सो टोटल पोस्ट कितनी है, 245 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मल्टीपर्पज, यानी कि मल्टीपर्पज के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 245 है इन द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड 20 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ बिहार, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज के लिए टोटल 245 पोस्ट है। अब इसमें आप सोचो कि यार रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, तो वो भी हमने ले रखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 9/9/2022, यानी कि 9 किसे सितंबर से ये शुरू हो रहा है और 9 अक्टूबर को ये ऑफ हो जाएगा। पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन, ऑनलाइन जो पेमेंट फीस है उसको कब से शुरू कर सकते हैं आप, 9/9/2022 से, और वही रहने वाला है इसके लिए भी, एंड 9/10/2022 इसकी क्या है, फीस की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन एग्जाम डेट जो है, आपका एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम आपका होना है नवंबर एंड दिसंबर टेंटेटिव, यानी कि अभी हमारा क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर टाइम भी बहुत कम है। सो आगे देख लेते हैं, ध्यान आ गया ना कि कितने, 9 तारीख से फॉर्म फिलना शुरू और 9 से ही, 9 पे ही क्या है, लास्ट डेट है। अब थोड़ा वैकेंसी की डिटेल्स पे हम बात करें यहाँ पे, तो एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन सिटीजन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मल्टीपर्पज की यहाँ थोड़ी डिटेल्स दी गई है और ये पूरा नोटिफिकेशन ही हमने ले रखा है। सो असिस्टेंट मल्टी पर्पज की टोटल जो पोस्ट है वो 26, उसमें से जनरल की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एमबीसी की 6 है, बीसी की 3 है, डब्ल्यूबीसी की 1 है, एससी की 3 है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 26। अगर मैं यहाँ पे स्केल की अगर बात कहूँ तो 17,900 रुपए से लेकर 47,920 रुपए तक का आपका पे स्केल रहने वाला है, तो बहुत अच्छा खासा पे स्केल है। आगे पॉइंट पे हम देखें तो 20 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, ये बिहार स्टेटेड कोऑपरेटिव बैंक है। देखो दो बातें कही गई हैं जो आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूं। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में तो आपकी टोटल 26 है मल्टीपर्पज के लिए, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कितनी है, 20 है। और यहाँ पे भी पूरी वही डिटेल दे रखी है कि कैसे कैसे है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी, एंड इसकी टोटल 219 आपकी क्या है, वैकेंसी है, ठीक है। क्या है 219 क्या है टोटल वैकेंसी है। थोड़ा और आगे हम बात करें एलिजिबिलिटी एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन की, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और कैसे आप फॉर्म को, क्या आप एप्लीकेबल हो, क्या आपकी एज होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी बात हम कहें तो ये कह रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ साथ देखो एक और ये बात तो हमें पता चल रही है, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। सो ग्रेजुएशन होनी चाहिए इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर किसी भी संस्था, मान्यता प्राप्त संस्थान से अंडर ग्रेजुएशन हो तो भी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्फ ऑन बीएससीवी साइट, तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड वेबसाइट का नेम क्या है, बिहार एससीवी, देखो www.biharscb.co.in, है ना। दे मस्ट डिपॉजिट रिक्वायर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाया ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, मतलब आपकी फीस भी ऑनलाइन है, पूरा फॉर्म ही ऑनलाइन फिल होगा। एंड फॉर्म ये बिहार एस cbco.in, यहाँ पे आपको अप्लाई करना इस वेबसाइट पे जाके। एंड सब कुछ इसमें मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ मैंडेटरी है, ईमेल ऑनलाइन विच इज मैंडेटरी, ईमेल भी आपको फिल करना कंपलसरी है और मोबाइल नंबर भी
इनके साथ आपको फॉर्म फिल करना कंपलसरी है ना। फीस की अगर मैं बात कहूं तो एग्जामिनेशन फीस 650 है ना। 650 किसके लिए, जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उनके लिए 650 रुपए फीस है। अगर बात करें हम अदर्स के लिए, बाकी सभी के लिए 850 रुपए क्या है टोटल इसकी फीस है। ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं कुछ पोस्टेड हमारी किस पे है। 31 पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, मल्टीपर्पज वाली मैंने पहले बता दी, अब है आपकी किसकी, असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल 31 पोस्ट है। और द बिहार कोऑपरेटिव बैंक और 4 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, 4 तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक में है और बाकी सारी किस में है, बिहार स्टेट बैंक में है। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका भी वही 9 तारीख से शुरू हो रहा है, 9 सितंबर से, और 9 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगा, सेम फीस के लिए। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो डेट है वही नवंबर से दिसंबर के बीच क्या है, इसकी टेंटेटिव डेट दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर थोड़ा वैकेंसी की डिटेल में बात अगर हम कहें तो टोटल पोस्ट देखेंगे यहां से, नंबर ऑफ पोस्ट वेकेंट एंड नंबर, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इसमें असिस्टेंट मैनेजर के टोटल 11 पोस्ट है, जनरल के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है, एसटी एंड एमबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है मैनेजर के लिए, और ना ही डब्ल्यूबीसी के लिए कोई पोस्ट है, सिर्फ बीसी के लिए 1 पोस्ट है। एंड टोटल कितनी है इस तरीके से, 11 पोस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी की है 6 पोस्ट, एंड उसके बाद एससी के लिए सिर्फ 3 है, बाकी डब्ल्यूबीसी के लिए कोई नहीं है, बीसी के लिए सिर्फ 1 है, टोटल हमारी कितनी है 11 पोस्ट है मैनेजर की पोस्ट के लिए, है ना। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यहां हम देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ये डिस्ट्रिक्ट वाला फर्क समझिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स नालंदा, सिवान, गोपालगंज, मतलब ये अलग अलग जगहों पर रहने वाली है। नेम ऑफ वैकेंट पोस्ट एंड नंबर, तो ये यहां पे इनका डिटेल में पूरा दे रखा है। ठीक है, अगेन फीस की अगर हम बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात कहूं तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट मैनेजर के लिए जो एक इंपॉर्टेंट आपको बात यहां ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी यूजीसी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट एमबीए डिग्री। अगर कोई बच्चा एमबीए किया हुआ है तो प्रेफरेंस एमबीए वाले को दी जाएगी, समझ रहे हो, बाकी जिनकी सबकी ग्रेजुएशन है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर एमबीए जिसने कर रखा है तो प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी सिलेक्शन प्रोफेशन में। ठीक है, तो आपने अगर एमबीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें, सीधे मैनेजर बन जाओगे जाते ही, है ना। देखो, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्फ, वही रजिस्टर करने के लिए हमारे पास वेबसाइट क्या है, www.biharscb.co.in पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एंड एग्जामिनेशन फीस वो सेम प्रोसेस 650 जो है आपकी एससी के लिए, एसटी के लिए एंड पीडब्ल्यूडी के लिए, और बाकी 850 जो फीस है आपकी वो किसके लिए, वो अन्य सभी के लिए, बच्चे जितने भी बच जाएंगे उन सबके लिए 850 फीस है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ से एक दो पॉइंट और बता देती, ठीक है, चलो देखते हैं, यहां से एक दो पॉइंट और बता देते हैं। देखो, पॉइंट क्या बताने लायक है आपके लिए, आपको बताने के लिए पॉइंट हमारे पास ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो एज होनी चाहिए, एज है ना, एज मैक्सिमम 33 है, 33 साल मैक्सिमम, बाकी आपके अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है ना। और आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, एंड साथ ही साथ अगर जिनका एमबीए डिग्री है और एमसी है उनके लिए ज्यादा क्या दिया जा रहा है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस में, है ना। अगर मैं इसके प्रोसेस की बात कहूं तो प्रोसेस इसका क्या है, एग्जाम का मोड क्या है, तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो डियर, एग्जाम जो होना है आपका 3 फेज में होना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट की मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट फेज में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन सा, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा। ठीक है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, यहाँ पे आपका इंग्लिश भी रहता है, मैथ भी रहता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश और हिंदी में यहाँ चॉइस है आपके पास, मैथ, रीजनिंग एंड यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आता है, और एक सेक्शन होता है कंप्यूटर का। कुल मिला के आपके 5 क्या होते हैं, 5 टॉपिक होते हैं यहाँ पे। एंड थर्ड प्रोसीजर जो है वो आपका इंटरव्यू प्रोसीजर है ना, इंटरव्यू भी इसमें होगा,
क्योंकि भाई मैनेजर बन रहे हो तो इंटरव्यू तो बनता ही बनता है। सो अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे एंड 60 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ और रीजनिंग के 35-35 होंगे, है ना। टाइम डिवाइडेड होता है पहले से 20-20 मिनट का। एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो ये बैंक का एग्जाम होता है स्टेट वाला, इसको भी IBPS ही कंडक्ट कराता है, तो जाहिर सी बात है पैटर्न भी लगभग सेम ही रहना है। जैसे IBPS क्लर्क का होता है वैसा ही सेम पैटर्न है। तो यहाँ पे 35 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी प्री के लिए, सॉरी 35 नंबर की क्या है आपकी मैथ है, और 35 नंबर की क्या है रीजनिंग है, और 30 नंबर की क्या है यहाँ पे इंग्लिश है, है ना। 30 नंबर की क्या है डियर यहाँ पे, एक सेकेंड, इंग्लिश है ना। चलो यहां से देख लेते हैं, 30 नंबर की क्या है आपकी इंग्लिश है। तो ये सब कुछ दे रखा है। अब आपको ध्यान देना है कि हमारे पास टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 276 है, और आपको कितनी चाहिए भाई, आपको तो एक सीट चाहिए। अब मैं यहाँ से एक बात और बता देती हूँ कि हम जब पढ़ते थे हमारे साथ ही एक टीचर थे और वो ऐसी SSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे, तो ऐसे ही UP में वैकेंसी आई कोऑपरेटिव बैंक के लिए, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। वो SSC की बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने वो एग्जाम दिया और आज के टाइम पर वो मैनेजर है, बहुत अच्छी खासी तनख्वाह भी है, इसमें भी बहुत अच्छी खासी तनख्वाह है। तो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका, बस स्टेट क्या है बिहार, और कोऑपरेटिव बैंक का अच्छी खासी तनख्वाह होती है और बिल्कुल सेम बाकी सारे प्रोसीजर सब कुछ सेम ही रहता है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म जरूर फिल कर दो, तैयारी अच्छे से करो। बाकी और भी जो डिटेल्स रह गई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट यहां से हमें ये पता चल गया कि टोटल 276 वैकेंसी है और मैनेजर पोस्ट के लिए और असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसीज है ना। और प्रोसीजर क्या है आपके, तीन प्रोसीजर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला आपका प्री होगा जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, फिर आपका मेंस होगा जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात कि प्रीवियस ईयर की अगर मैं मेरिट की बात कहूँ तो आपकी 100 में से 80 से 90 के बीच आपकी मेरिट गई थी मैक्सिमम, यानी कि 84 गई थी, 84 मैक्सिमम आपकी मेरिट गई थी। तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपके मार्क्स, देखो ये मेरिट गई है, सोचो आपको 100 तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे इतने मार्क्स लेके आने के लिए, तो इसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रैक्टिस की, तो मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन भी बहुत अच्छा आया, तो इसकी जानकारी मैं कल सुबह 8 बजे हमारी क्लास होगी, तो आप उसमें जुड़िएगा, और 8 बजे से कल क्लास शुरू हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक वाले बच्चों के लिए। 8 से 9 मैं इंग्लिश लूंगी एंड उसके बाद फर्दर क्लासेस ऐसे ही रहने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय, टेक केयर। यूजफुल लगी हो जानकारी तो प्लीज शेयर इट, थैंक यू।